नहीं मुल्ला, आज हम बात करेंगे तुर्की में 12 टॉप के शहर कौन से हैं जहां पर फॉरनर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें तुर्की के उन शहरों के बारे में बताएं जो वहां पे फॉरनर प्रॉपर्टी तेजी से खरीद रहे हैं। जी कलीमुल्ला, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो टर्की में पूरी दुनिया से लोग, तकरीबन 184 ममालिक की बात कर रहा हूँ, 184 कंट्रीज, 184 ममालिक से टर्की में लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जब से टर्की ने यह अनाउंस किया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क से आप सिर्फ पासपोर्ट पर लीगल एंटर हुए हैं और आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, दो तस्वीरें और आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, तो आपको टर्किश रेजिडेंस मिल जाएगी। और टर्की ने इस हवाले से कोई प्रॉपर्टी की लिमिट भी डिसाइड नहीं की कि आप $10,000 की खरीदें या 20 की खरीदें या $1,00,000 की या $2,00,000 की। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही टर्की में तकरीबन 6 करोड़ 7 करोड़ टूरिस्ट सालाना आता है। तो यूरोप से भी, यूके से भी, अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा लोग जो है आते हैं। तो आपको पता है कि सराउंडिंग में बहुत से कंट्रीज हैं, जैसा कि मिस्र है, लीबिया है, इराक है और शाम है। इन ममालिक में जब जंगी हालात हुए तो यहाँ से बहुत से लोग जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने टर्की में आके प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी खरीद कर वो यहाँ पर वो रेजिडेंट हुए और अपनी फैमिलीज के साथ शिफ्ट हुए। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो इसलिए मिडल ईस्ट से बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया टर्की में। इसी तरह यूरोप से बहुत से लोगों ने, जो लोग टूरिज्म के लिए और एक अच्छी जगह के लिए, तो सस्ती प्रॉपर्टी होने की वजह से यूरोप से भी बहुत से लोग माइग्रेट हुए। इनमें हमारे पास लिस्ट है 12 ऐसे शहरों की जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जहां पर फॉरनर्स ज़्यादातर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। टर्की के तकरीबन 45 शहर हैं, लेकिन उन 45 शहरों में, इन 12 शहरों में बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्तांबुल की। 2020 का ये डाटा आपके साथ शेयर करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ। इस्तांबुल में अभी सितंबर तक 3,893 के करीब जो है घर सेल हो चुके हैं। अंटालिया में, अंटालिया दूसरा बड़ा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है टर्की का इस्तांबुल के बाद, और दुनिया के 5 बड़े टूरिस्ट सिटीज़ में आता है ये अंटालिया, बहुत फेमस है। क्रूजेज वहाँ पर आती हैं। साइप्रस जो है उसके, जो आप समझ लें कि ऑपोजिट साइड पे साइप्रस है, इस साइड पे अंटालिया है। तो साइप्रस से और इस तरह से वो बहुत से दूसरे डेस्टिनेशन से होते हुए पूरी दुनिया की क्रूजेज जो है वहाँ पर आती हैं अंटालिया में। तो इसलिए यूरोपियन, यूके, कनाडा, अमेरिका, इन ममालिक से जो टूरिस्ट आता है वो अंटालिया में ज़्यादातर आता है। तो इसलिए यहाँ पर 1,648 प्रॉपर्टीज अंटालिया के अंदर। अंकारा, जैसे आप सबको पता है कि टर्की का कैपिटल है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज 3,388 सॉरी। और मैरसन जो है, ये मैरसन सिटी जो है, ये इसको ट्रेड सिटी कहा जाता है। ये शाम की सरहद के बिल्कुल पास है और इधर साइप्रस के पास है। तो आप जब मेडिटेरियन सी से आते हैं तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड का एक हब है। जैसे टर्की अगर आप ले तो टर्की के ऊपर वाली साइड पर इस्तांबुल है, तो नीचे वाली साइड पर मैरसन है। तो ये सारा टर्की, सपोज करें ये टर्की है तो इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे मैरसन है और ऊपर वाली साइड पे इस्तांबुल है, और बीच में तकरीबन 1,000 से 1,200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ज़्यादातर मेडिटेरियन सी से जो भी ट्रेड होती है वो मैरसन पोर्ट पे होती है। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिटी है, जिसे आप कह सकते हैं ट्रेड सिटी है टर्की का। और यहाँ पर तकरीबन जो है 3,348 प्रॉपर्टी सेल हुई अब तक। यालोवा जो है, ये इस्तांबुल से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के फासले पर है यालोवा, और ये बहुत फेमस सिटी है, छोटा सा एक शहर है, बड़ा अच्छा शहर है, खूबसूरत सा। यहाँ पर 233 प्रॉपर्टी सेल हुई है। और बुर्सा, आप सबको पता है ये इंडस्ट्रियल सिटी है इस्तांबुल के पास है तकरीबन 200-250 किलोमीटर, तो यहाँ पर 219 प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हैं। इजमीर में 191, और सकारिया, इजमीर का आप सबको पता है ये भी इस्तांबुल के पास ही है और एक अच्छा खूबसूरत शहर है। इसके बाद सकारिया है 120, और सैमसन जो है, सैमसन या सैमसन बोल लें, ये जो सिटी है ब्लैक सी के ऊपर है और ये बहुत खूबसूरत शहर है।
तकरीबन 96 प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेल हो चुकी है, मुगला पे 90, और ट्रैप जोन मेरा बहुत ही फेवरेट शहर है ट्रैप जोन, ये बिल्कुल वैसा है जैसे वादिय नीलम है, कश्मीर है, सवात है, गिलगित है, उस तरह का पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत है। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चाय के बागात हैं, ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत। टर्की में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, जिसको आप कह सकते हैं यूरोप का स्विट्जरलैंड आप कह लें या ऑस्ट्रिया कह लें, ये टर्की का उसी तरह का एक शहर है जिसको मैंने कहा ट्रैप जोन। और ट्रैप जोन के अंदर रिजे जो है, इसका छोटा सा टाउन है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर आप कभी टर्की आते हैं तो इसको ज़रूर विज़िट करें। लेकिन मिडल ईस्ट से तकरीबन 80% टूरिस्ट यहाँ पर जाता है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। ब्लैक सी के ऊपर है, सैमसन से थोड़ा सा आगे है। आयदन जो है इजमीर के पास ही एक शहर है, यहाँ पर 72। 12 ऐसे शहर जो हमने आपको रिपीट किए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस्तांबुल, अंटालिया, उसके बाद आंकारा, मैरसिन, यालोवा, बुर्सा, इजमीर, सकारिया, सैमसुन, मुगला, ट्रैबजोन, आयदन। कोशिश करूँगा मुझे टाइम मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे नाम लिख दूँ और थंबनेल के ऊपर भी जो है ना इसका दायरा लगा के आप लोगों के लिए टर्की के मैप पर जो है ना ग्रीन कलर का थंबनेल पे दायरा लगा दूं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके नाम लिख दूंगा। लेकिन ये जो 12 शहर हैं ये बहुत फेमस हैं ये फॉरनर्स के लिए, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी है, और फॉरनर्स जो है इन 12 शहरों में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगर आप इस्तांबुल के अलावा किसी दूसरे शहर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपको इन शहरों को भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए इनमें से। अगर आप, क्योंकि देखें आपका प्रॉपर्टी लेने का मकसद क्या है, फैमिली के साथ माइग्रेट कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ है, ट्रेडिंग का पर्पस है, या आप सस्ती प्रॉपर्टी चाहते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी चाहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये सारी बातें हर बंदे के लिए डिफरेंट होती हैं। आप हर बंदे की जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो मुख्तलिफ होती है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रिसर्च करें, वर्क करें और उसके बाद फाइनलाइज करें, क्योंकि हर चीज़ हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती। जी सर, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से इस्तांबुल के बाद अंटालिया क्यों मशहूर है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। इस्तांबुल एक तारीखी शहर है, जी सर बिल्कुल। जबकि अंटालिया एक नई सदी का नया डेवलपिंग सिटी है, जी सर। और अंटालिया में जितना भी जो यूरोपियन टूरिस्ट है या अमेरिकन है या जो एडवांस वर्ल्ड है, जो जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है, वहाँ से जो टूरिस्ट आता है वो सारे का सारा आता है अंटालिया में, जी और सर। अंटालिया क्रूज का हब है, और अंटालिया बहुत खूबसूरत एक बीच है, उसके फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बीचेस बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है जो टूरिस्ट होते हैं वो बीच और क्लब लाइफ और जो एडवांस है उस चीज़ को पसंद करते हैं, तो 5 स्टार और 7 स्टार जितने भी रिजॉर्ट हैं वो सारे अंटालिया में हैं, बिल्कुल ठीक हो गया और सर। दुनिया के किसी भी मुल्क से जो रिच लोग हैं वो सारे के सारे अंटालिया में आते हैं। जी तो सर। एक आप समझ लें कि लग्जरी लाइफ जो है जिसको आप कह सकते हैं वो अंटालिया में है, और पूरे टर्की में सबसे ज़्यादा रेंट जो है वहाँ पर अंटालिया में है। लोग होटलों में रहने की बजाय अपार्टमेंट लेकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ महीनों के हिसाब से वहाँ पर रहते हैं जी सर। और लाइफ को एक इंजॉय करते हैं, नेचर को इंजॉय करते हैं। बहुत खूबसूरत बीचेज हैं उसके, और इसके साथ साथ एक एडवांस सिटी है टर्की का, और पूरी दुनिया से, यूरोपियन सेक्शन से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, यूके, अमेरिका से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, और इसलिए वो फेमस जी सर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये है। जानना चाहूंगा कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अंकारा जो है वो तुर्की का कैपिटल है, तो फिर लोग मैरसन में ज्यादा क्यों प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? अंकारा जो है वो कैपिटल है, लेकिन कैपिटल देखें जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल है, जी सर। तो कैपिटल की जो होती है वो अपनी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो कह रहे हैं वैल्यू ज़रूर होती है, लेकिन मसलन अगर आप एम्बेसी में काम करते हैं तो आपके लिए कैपिटल बहुत अहम है, जी सर। अगर आप डिप्लोमेटिक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, या अगर आप टीचर हैं या उस तरह से कोई, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आपने प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको एक ऐसा शहर चाहिए जो ट्रेडिंग सिटी हो,
तो ये जो मेरसन है ये मेडिटेरियन सी के ऊपर है। जी सर, जैसे ही नहर स्वेज से ऊपर आते हैं साइप्रस की तरफ, तो नहर स्वेज से सबसे पहली शिपमेंट मेरसन में आती है। तो सबसे करीब पड़ता है ये, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ या मिडल ईस्ट के साथ या फिर हम पाकिस्तान इंडिया से कुछ भी मंगवा रहे हैं, तो सबसे पहले पोर्ट जो आती है टर्की की वो मैरसन आती है, जो करीब तरीन है। बिल्कुल सही उसके है बाद सर। पूरा चक्कर काट के ऊपर वाली साइड से इस्तांबुल आती है। तो मैरसन एक ट्रेडिंग सिटी है, इसलिए वो जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत अच्छा जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर है। आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने 12 शहरों का जिक्र किया है, जी, तो इसमें रेंट के हवाले से सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? रेंट के हवाले से आप देखें कि रेंट जो है भरने की रेशियो सबसे ज्यादा अंटालिया में है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी लेकर उसका बिजनेस करना चाहते हैं, जी सर, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अंटालिया बहुत अच्छा है। ठीक हो गया लेकिन सर। उसमें आप ये कह रहे सबसे कम जो किराए बढ़े वो इस्तांबुल में, और सबसे ज्यादा जो रेंट बढ़ा वो अंटालिया में। जी तो सर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट अंटालिया का ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस्तांबुल। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और सर इसी के साथ आप हमें ये भी बताएं कि इन 12 शहरों में से सबसे सस्ती प्रॉपर्टी किस शहर में मिल सकती है? देखिए 12 शहरों में अगर आप सबसे सस्ती की बात करते हैं, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो यालोवा है, जी ये सर, इस्तांबुल के करीब तरीन है। उसके बाद फिर ये आ जाता है सैमसून है, ट्रैबजोन है या आयदन है। ये जो शहर हैं लेस फेमस हैं, बिल्कुल और ठीक हो जब गया लेस सर। फेमस होते हैं उसका मतलब वहाँ पर अनसेचुरेशन होती है। अनसेचुरेशन से मुराद अगर बहुत से लोग नहीं समझ पाते तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत से लोग बायर वहाँ पर नहीं जा रहे होते। तो जब आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ खरीदने के बहुत ज़्यादा बायर नहीं होंगे तो वहाँ पर अभी चीज़ें सस्ती हैं। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल। इन्वेस्टर के लिए ये होता है कि जैसे ये टर्की ग्रो हो रहा है पोटेंशियली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, तो इन्वेस्टर ढूंढता है कि अभी जो चीज़ें फेमस नहीं हुई हैं उसमें पोटेंशियल ढूंढता है, बिल्कुल और वो सर, अपनी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे लगाता है। जैसे मसलन आजरबैजान अभी इतना फेमस नहीं हुआ, इसी तरह से जो है वो टर्की ज़्यादा फेमस है, तो टर्की से लोग आकर आजरबैजान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टर्की से लोग आकर आजरबैजान में आकर वो अपना फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आजरबैजान में लेबर सस्ती है, आजरबैजान में लैंड सस्ती है, आजरबैजान में हर तरह के जो मामलात हैं इसमें ग्रोथ का जो रेट है वो 50% है, जबकि टर्की में ग्रोथ का रेट मतलब 15 से 20% है। जी सर, इसी तरह से जो हमारे पास ये आ जाते हैं ट्रैबजोन है, सैमसन है, ये जो शहर है ये इस्तांबुल से 1000 1200 1500 किलोमीटर दूर है। दूर के इलाके होने की वजह से हर बंदा इस्तांबुल में इन्वेस्टमेंट करता है, ये कोशिश करता है कि मैं इस्तांबुल के सराउंडिंग में ही रहूं। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल। इसी वजह से, क्योंकि मोस्टली 80% जो एशियन सेक्टर है हमारा इंडिया पाकिस्तान से, उन्होंने तो सिर्फ नाम ही इस्तांबुल का सुना हुआ है, और या इस्तांबुल के बाद उन्होंने अगर नाम सुना है आनकारा का, उसके बाद उन्होंने तीसरा नाम सुना है इजमीर का। यकीन कर लो जितने भी लोग जो है वो टर्की को जानते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 शहरों का उन्हें पता है, आनकारा का पता है, इस्तांबुल का और इजमीर का। इसके अलावा बाकी शहरों के बारे में वो जानते ही नहीं कि ऐसे कोई शहर भी है और उनमें क्या होता है, वहां पे क्या एक्टिविटी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो है। जब एक चीज का आपको पता नहीं है तो आप वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप थोड़ा सा रिसर्च करें। इस्तांबुल में जब आप जाते हैं तो इस्तांबुल में मेरी नज़र से बीइंग अ बिजनेसमैन अगर आप देखते हैं तो मैं कहूँगा पूरे टर्की में सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस्तांबुल में, सही हो गया सर। और पूरे टर्की में सबसे ज़्यादा जो 2 नंबर घटिया तरीन और गंदे लोग हैं वो इस्तांबुल में। जब आप इस्तांबुल को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो आपको प्योर जो टर्की का प्योर और खालिस लोग हैं, जो रियल बिजनेसमैन है, जितना भी यूरोप से बिजनेसमैन आता है वो दूसरे वो इजमीर में जाता है, मैरसन में जाता है, बुर्सा में जाता है, दैनिजली में जाता है, यालोवा या ये दूसरे जो शहर है सैमसून है, ट्रैबजोन है, आयदन है, इन शहरों में जाके इंडस्ट्री लगाता है और यहाँ पे जाके काम करता है। जी सर, वो बिल्कुल ठीक हो इस्तांबुल गया। में घूमता फिरता जरूर है कि इस्तांबुल एक तारीखी शहर है, जाना विजिट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इस्तांबुल में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जी सर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस्तांबुल में इन्फ्लेटेड आप समझते हैं कि मतलब गुब्बारे की तरह फूली हुई, तो वो जो इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है इस्तांबुल के अंदर वो उस तरह का एक एनवायरनमेंट है कि क्योंकि हर बंदे की कोशिश है, मसलन ये बुक है अब अगर इसको खरीदने वाले 10 लोग हो जाएंगे तो इसकी कीमत अगर 100 रुपया है
तो बेचने वाला कहेगा यार 10 लोग खरीद रहे हैं, मैं इसको 300 से कम नहीं दूंगा। ऐसा ही है सर। तो वो ये बात हो जाती है कि जब दुनिया का हर बंदा वहां पर आके खरीदने की कोशिश करता है तो बेचने वाले जो होते हैं वो जानबूझ के ज्यादा रेट लगाते हैं। जी सर। तो जब दूसरे शहरों में ये कंपटीशन नहीं है तो वहां पर ओरिजिनल वैल्यू के पास करीब तर आपको चीजें मिलती हैं, आपका पैसा जाया नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा ही है ये सर, चीज बिल्कुल। लोगों को समझने की जरूरत है और इसको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। समझदारी के साथ, ठंडे कूल माइंड के साथ बाद में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी डिटेल से गाइड किया है। सर, मैं वेलकम। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस्तांबुल के अलावा अगर कोई हमारा भाई तुर्की के दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट आसानी से मिल जाता है? डेफिनेटली आप पूरे टर्की में 45 सिटीज़ हैं, आप जिस मर्जी शहर में प्रॉपर्टी खरीदें आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। इस्तांबुल में सपोज करें आप 4,000 या 5,000 बंदों की प्रोसेसिंग हो रही है जी और सर। दूसरे शहर में सपोज करें कि 100 बंदों की प्रोसेसिंग हो रही है, अब 5,000 की जल्दी होगी या 100 की जल्दी होगी? 100 की जल्दी तो होगी ये एक सर। अंडरस्टूड बात है कि जब आप दूसरे शहर में करते हैं तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है और आपको लीगल फीसें और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कम अदा करना पड़ती हैं और जो हर्डल्स और प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कम फेस करना पड़ते हैं और एक जेन्युइन जो है सोसाइटी में टर्किश लोगों के साथ रहकर उनका प्यार मोहब्बत और उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप में कल्चर को समझने में हेल्प मिलती है और वो आपको ज़िंदगी में आगे एक पॉजिटिव फील के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह सर, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया है और ये जो वेलकम। आपने 12 शहर बताए हैं जो हमारे भाई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनकी बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और ये वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। अपना ख्याल रखें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। एक या दो कमेंट जरूर लिखा करें, इससे हमें रहनुमाई मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। ये हमारा ही नहीं आपका भी चैनल है और हम सब एक टीम है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।